Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Last video में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में. इसमें हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था एवोल्यूशन के बारे में, कैसे उस टू चीज़ें जो फॉर्म हुई थी उसमें हम सबसे पहले देखा था कि ये जो टैक्सोनॉमिक ऑफ ग्रुप ऑफ फिशेज है उससे रिलेट, इसको हम लोगों ने कॉर्निक से रिलेट किया था. हम लोगों ने फिर देखा था कि इसे 45 ऑर्डर से और 435 फैमिली थी और 2800 स्पीज थी इसकी. फिर हम लोगों ने देखा इसके अंदर दो मेन फिश प्रेजेंट थी, रेफिन फिश और लोफिन फिश. अगर आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर नहीं लिया तो पहले वो लेक्चर लेना, देन आप लोगों को ओरिजिन की समझ आ जाएगी. अब हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ फोर फिशेज में क्या है. ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं किसी भी चीज़ का इजाद होना, किसी भी चीज़ को बनाना. एवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो एवोल्यूट हुई थी फिशेज फ्रॉम कॉन्डक्टिस, ठीक है. ओरिजिन में हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रिचेस कैन बी कंपेयर टू द यूटिलोस्टोमी और इन पैलेंटोलॉजी द टर्म्स आर सिनोमनस. इस पैलेंटोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब के फोसेस के बारे में स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं. मतलब इसके फोसेस के बारे में स्टडी की थी कि के कितने ईयर्स पुराने हैं और किस इन्होंने कैसे इवॉल्व किया, उनका ओरिजिन क्या है. तो जो उन्होंने स्टडी किया उस स्टडी में क्या आया, द एस्ट्रोलॉजिस्ट द डिफरेंस इन द यूरोटिलोमास प्रेजेंट अ क्लैडिस्टिक व्यू विच इंक्लूड्स अ ट्रस्टियल टेट्रापोड इन्वॉल्व फ्रॉम द लोब्ड फिन फिश. वो कह रहा है कि जो ट्रस्टियल टेट्रापोड से वो इवॉल्व हुए थे लोब फिन फिश, और लोब फिन फिश किसमें प्रेजेंट थी, ऑस्ट्रोसिस में, फिश में. तो कह रहा है कि जो ट्रस्टियल टेट्रापोड्स प्रेजेंट हुए थे वो लोफिन फिश से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है. आगे हम लोग चलते हैं. अंटिल रिसेंटली द व्यू ऑफ द मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजिस्ट हैज़ बीन डैट ऑस्ट्रिचेस वर पैराफिलेटिक एंड इंक्लूड ओनली फिशेस. मतलब वो कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रिचेस हैं वो एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, उनका कोई दूसरा इंसेस्टर नहीं था. और इंसेस्टर हम लोगों ने देखा कौन था, कॉन्ड्रियोक्थीसिस डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन एवोल्यूशनरी इंसेस्टर. पैराफिलेटिक मतलब ये सिर्फ एक इंसेस्टर इनका था जिसे अभी तक जो स्टडी हुई है उसमें सिर्फ यही पता लग सका है. देयरफॉर हाउएवर सिंस 2013 वाइडली स्टडीड एस्ट्रोलॉजिस्ट पेपर हैव बीन पब्लिश्ड विद द फाइलोजेनेटिक ट्री डैट ट्रीट द ऑस्ट्रिचेस एज अ क्लैड इंक्लूडिंग टेट्रापोड्स. अब 2013 में एक स्टडी की गई थी, उसमें उन लोगों ने एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया था और उस ट्री में सिर्फ उन्होंने किसको इंक्लूड किया था, ऑस्ट्रिचेस में कौन इंक्लूड है, क्लैड इंक्लूडेड टेट्रापोड्स. अब हम लोग इवोल्यूशन ऑफ जोन्स, हम एवोल्यूशन प्रैक्टिस पढ़ रहे थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.